इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने सैमसंग के मोबाइल को, जैसे कि ये देख रहे हैं सैमसंग की हमारी ये मोबाइल है, इसको हम करना चाहते हैं फैक्ट्री रीसेट। तो होता क्या है कि कभी कभी आप इसमें कुछ सेटिंग्स करते हैं और सेटिंग्स करने से आपकी जो सेटिंग्स इधर से उधर हो जाती है, पुराने नई जैसे सेटिंग्स नहीं रह पाती हैं और आप चाहते हैं कि इसको आप फैक्ट्री रीसेट करें, तो फिर कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको चले जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स में, सेटिंग्स को फाइंड कर लेना है कि कहाँ पे सेटिंग्स है आपकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे सेटिंग्स है, तो हम जैसे सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको चले जाना है यहाँ पे इस तरीके से जनरल मैनेजमेंट पे। तो जैसे आप जनरल मैनेजमेंट पे जाएंगे तो जनरल मैनेजमेंट पे जाते ही आपको यहाँ पे मिल जाता है रीसेट का। तो आप जैसे रीसेट पे जाएंगे तो रीसेट पे जाते ही आपको यहाँ पे मिल जाता है 1, 2, 3, 4 नंबर पे फैक्ट्री डाटा रीसेट। रीसेट योर फोन टू इट इज़ फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग, दिस विल रीसेट ऑल डाटा इंक्लूडिंग फाइल्स एंड डाउनलोड एप्स। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जैसे आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने पर यहाँ पे आपको मिल जाता है रीसेट का ऑप्शन। तो यहाँ से अगर मोबाइल को रीसेट करते हैं, ये सारी डाटा आपकी लॉस हो जाएगी, फिर से आपको सारी चीज़ें बनानी होंगी, अकाउंट बनानी होंगी, जो भी आप लॉगिन किए हुए हैं सबको फिर से लॉगिन करना होगा। उससे पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर फ़ोटो वगैरह वीडियो है तो आप इसे कहीं पे डाउनलोड कर लें या बैकअप कर लें या कहीं पे ट्रांसफ़र कर दें। इसके बाद हम जैसे रीसेट पे क्लिक करते हैं, इस तरीके से हमसे पासवर्ड मांगा जाता है, जो भी हमारी मोबाइल की पासवर्ड है वो इंटर करते हैं। इसके बाद डन पे क्लिक करते हैं। डन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए फाइनली बोल रहा है फैक्ट्री डाटा रीसेट डिलीट, फाइनली डिलीट के लिए हमसे बोल रहा है। ऑल डाटा यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड डाउनलोड्स ऐप भी इरेज, सारा इरेज हो जाएगा, कुछ भी हमें नहीं मिल पाएगा। तो ये एक बार हमें इन्फॉर्म कर दे रहा है, तो आप ध्यान से देख लें कि आपको क्या करना है, रीसेट करना है या नहीं करना है। अगर रीसेट करना है तो फिर आपकी ये कोई भी डाटा आपका रिकवर नहीं होगा। तो गाइज देख लें, आपको अगर सभी डाटा बैकअप चाहिए तो डिलीट ऑल डाटा पे जाएं, ऑल पे जाएं। ऑल पे जाते ही आपसे यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पूछा जाता है सैमसंग अकाउंट का, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आप इंटर कर लेंगे। ताकि आप देख सकते हैं जैसे आप फाइनली डिलीट ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो आपका जो सैमसंग अकाउंट का पासवर्ड है वो पासवर्ड मांगेगा। जैसे आप पासवर्ड इंटर करेंगे तो आपकी मोबाइल जो है यहाँ पे स्विच ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बंद होने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन होगी, खुलेगी और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वन यू आई और इरेजिंग यहाँ पे लिखा भी आ रहा है इरेजिंग। इसके बाद जो आपकी मोबाइल है वो पूरी नई तरीके से हो जाएगी, नई हो जाएगी। इसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे नया डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमने यही इस वीडियो में बताने की कोशिश की कि कैसे आप फैक्ट्री डाटा रीसेट कर सकते हैं। तो अब हमारा पूरा नया तरीके से मोबाइल हो जाएगा, तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं, जब ये ओपन होती है तो फिर हम आपको बताते हैं। हमारा जो यहाँ पे मोबाइल है वो फाइनली रीसेट हो चुका है, फैक्ट्री डाटा रीसेट हमने कर लिया है। इसके बाद हम जैसे स्टार्ट पे करते हैं, ये हमारी नई हो चुकी है मोबाइल, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फॉर योर रिव्यू। तो यहाँ पे आपको एग्री ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे हम एग्री पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हमसे यहाँ पे कुछ प्रोसेस लेता है इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है चूज वाईफाई नेटवर्क, तो टर्न हम वाईफाई को ही सेलेक्ट करते हैं। तो हम इसमें जो भी हमारी वाईफाई है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर से हम एग्री पे क्लिक करते हैं और हमारा जो भी वाईफाई है उसका पासवर्ड हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। तो चलिए हम पासवर्ड को इंटर करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, फाइनली हमारे मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे जियो फाइबर लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से गेटिंग योर फोन ऑलरेडी, थोड़ा दिस मे टेक फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट लगेगा। इसके बाद हमारा जो भी इसमें व्हाट्सएप हमें इंस्टॉल करना है या जो भी चीज़ें हमें इंस्टॉल करना है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं।
तो हमने इस वीडियो में यही बताने की कोशिश की कि कैसे आप अपने मोबाइल में फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गेटिंग योर फ़ोन रेडी हो चुका है। तो अगर तो जैसा कि देख सकते हैं फाइनली हमारी जो मोबाइल है वो वापस आ चुकी है। अब हम इसमें अपना ईमेल आईडी एंटर करके हम अब अपने मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।